हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास 10 के वर्ड प्रॉब्लम का प्यारा सा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे है और आप देख रहे हो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के तर्ज पे मैं लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था। शायद आपको बातें याद हो, मैंने कहा था कि जब भी डेज वाली बात हो या आवर्स वाली बात हो, वहां पर हम लोग अगर डेज की बात हो तो एक दिन का वर्क निकालते हैं, या आवर्स की बात हो तो वहां पे वन आवर का फाइन करते हैं। बातें समझ पा रही ना? मान लो कि किसी काम को कोई बंदा 10 दिन में कंप्लीट करता है तो वहां पे एक दिन का काम निकालते हैं। मान लो किसी काम को कोई बंदा जो है 10 घंटा में काम कंप्लीट करता है तो वहां पर हम कितना, एक घंटे का काम निकालते हैं। और जब भी एक घंटे का जब हम काम करते हैं तो 1/2 उतना हो जाएगा इस पूरे काम का पार्ट। मान लो कि मैं किसी काम को 10 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूं तो मेरे जरिए उस काम को एक घंटा में कितना होगा, पूरे काम का 1/10 पार्ट, मतलब 1/10 पार्ट हम एक घंटा में काम करेंगे। मान लो मैं किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/20 पार्ट। मान लो कि किसी काम को मैं 15 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/15। तो ऐसी बातें हमेशा याद रखिएगा और जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी आवर्स की बात हो या डेज की बात हो तो वहां पे सबसे पहले आप एक दिन का या एक घंटे का काम निकालेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, फिर इसके बाद इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर। आइए क्वेश्चन क्या है, 2 वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली द फिल द टैंक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 वाटर टैप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वाटर टैप्स है जो दोनों किसी टैंक को कितना, 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करता है, मतलब 9/8 72/8 आवर्स में दो वाटर टैप जो है किसी टैंक को फिल करता है। अब उसमें क्या कर रहा है कि एक लार्जर टैप वाला जो डायमीटर है वो स्मॉलर से 10 घंटा जो है क्या लेता है, कम लेता है, लेस देन किससे, स्मॉलर से। जाहिर सी बात है जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसे पानी ज्यादा निकलेगा, और जब उसे पानी ज्यादा निकलेगा तो बेशक जो स्मॉलर डायमीटर वाला होगा उससे कम टाइम लेगा किसी टैंक को भरने में, क्योंकि पानी जिसमें ज्यादा निकलेगा वो वक्त यानी वो टाइम कम लेगा। तो हमें से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि तनहा अगर दोनों टैंक कितने देर में भरेगा, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहां पर क्या मानना होगा, सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि बड़ा वाला लार्जर डायमीटर है वो स्मॉलर से कितना करा, 10 आवर्स कम लेता है। तो मान लीजिए कि स्मॉलर टैप जो है, लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन क्या, एक्स आवर्स। हमने मान लिया कि स्मॉलर टैंक जो है वो एक घंटा में भर देता है, स्मॉलर टैप, राइट। तो लेट द लार्जर टैप फिल द टैंक इन कितना हो जाएगा, 10 घंटा कम लेता, मतलब एक्स माइनस 10 आवर्स। बातें समझ में आ रही है, स्मॉलर वाला एक घंटा में भर देता है, लार्जर वाला एक्स माइनस 10 आवर्स लेता है, मतलब एक्स माइनस 10 आवर्स में भर देता है। तो आप बताओ मुझे, जब स्मॉलर एक घंटा में भर देगा तो उसका उसका एक घंटे का काम कितना होगा, मतलब यह कि एक घंटे में वो टैप को कितना भरेगा। तो आप खुद समझ सकते हो, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक्स आवर्स में भरता है तो बताओ एक घंटे में कितना पार्ट भरेगा, तो आप कह सकते हो 1/x। हाँ यार, बिल्कुल। फिर लार्जर डायमीटर वाला जो है एक्स माइनस 10 आवर्स में भरता है तो आप बताओ एक घंटे में उस पूरे टैंक का कितना पार्ट भराएगा, तो 1/x माइनस 10।
बात समझ में, याद करिए मैंने कहा था जब भी आवर्स या डेज वाली बात हो, डेज वाली बात हो एक दिन का निकालो, आवर्स वाली बात हो एक घंटे का निकालो। इस बात को हमेशा जहन में फिट कर लो, एक घंटे में इतना, ये घंटे में इतना, और दोनों मिलाकर एक घंटे में कितना बढ़ रहा है आप खुद देख लो, 9 whole 3/8 hours, मतलब 9 घंटे 72 दिन 75/8 hours। तो आप बताओ मुझे 75/8 hours में भरता है तो एक घंटे में कितना होगा, दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर हो जाएगा 8/75। बातें समझ में आई, एक घंटे में, क्योंकि दोनों मिलाकर 9 घंटे 72 दिन 75/8 घंटा बढ़ता है, तो उस पूरे का एक, दोनों मिलकर एक घंटा में कितना बढ़ेगा, तो 8/75, क्योंकि हमने ये एक घंटे का निकाला, ये भी एक घंटे निकालेगा, तो फाइनली हमें दोनों का एक घंटे का प्लस करके हमारा इतना काम होगा। बातें समझ में आ रही है ना, क्या याद रखना है कि डेज या आवर्स वाली बात हो तो वहां पे एक घंटा या एक दिन का निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब तो इसके बाद सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है, आप खुद सोच सकते हो किस ख्याल से मिलेंगे, क्या होगा एक्स इंटू एक्स माइनस टेन, तो x से इस पूरे को डिवाइड करोगे, x कैंसिल होगा, x माइनस टेन आएगा, और इस x माइनस टेन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को x माइनस टेन प्लस, फिर x माइनस टेन से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, x माइनस टेन हमारा कैंसिल होगा, बच क्या गया x, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे क्या x डेट इक्वल 8/75। इज इट क्लियर ना। अब गौर फरमाओ x और x क्या हो गया 2x माइनस 10 by x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 10x डेट इक्वल 8/75। क्लियर बात है, नीचे दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं इतना लेते हैं। अब जरा बताओ इसको ऐसा करो, आप इसमें 2 कॉमन ले लो ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे 2 जब कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 2 × x − 2 × 10 5/, और इस x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो फाइनली x स्क्वायर माइनस 10x डेट इक्वल क्या 8/75, तो 2 × 4 = 8। क्लियर बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो क्या होगा 4x² − 4 = 40x डेट इक्वल 75x माइनस 75 क्या होगा 50 25 और 7 × 35 = 37 375। क्लियर बात है ना, 75x − 75 = 50 25 5 + 2 = 37 375। अब इसको क्या कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा, कैसे लाएंगे जरा गॉट मो, तो 4x² − 40x − 75x और −375 है, तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा +375 डेट इक्वल टू 0। क्लियर बात है ना, तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर लिख सकते हैं 4x² और −40x और −75x आ जाएगा आपका क्या 5 + 7 = 11 115x। क्लियर है, +375 = 0। क्लियर बात है, ये आपका बन गया क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के तहत सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अब कहोगे सर कैसे, तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, आइए यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20 0 कैरी 2 7 × 28 2 × 30 के 0 हासिल 3 7 × 4 = 12 3 = 15 मतलब मल्टीप्लाई करने पर 1500 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना 115 आना चाहिए। आप खुद सोचो कि क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करने पर 1500 जोड़ने घटाने पर 115, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 100 और 15 तो 100 × 15 क्या होगा 1500 और 100 × 15 क्या होगा 115। बात समझ में आ रही है ना, नीचे ऐसे दिख रहा है एक लाइन, तो चलिए छोटा सा लिख लेते हैं 4x² दिख रहा होगा −100x − 15x + 375 डेट इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आराम से ये पेयर में से कॉमन ले लेंगे, तो पेयर में से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4x कॉमन लेंगे इसमें तो हो जाएगा x − 25। क्लियर है, फिर यहां −15 कॉमन लेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा x − 25 डेट इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा x − 25 × 4x − 15 डेट इक्वल टू 0। जब आइदर करोगे आप तो क्या आएगा
एक्स माइनस 25 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल आपका क्या आ जाएगा 25। फिर आइदर जब आप करोगे तो 4x माइनस 15 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल 15/4। अब आप मुझे बताओ यहां पे x क्या वैल्यू कितना है, दो आया, एक तो 25 आया, एक आया क्या 15/4। अब जरा मुझे बताओ कि यहां पे आंसर आपका कौन होगा, 25 होगा या 15/4 होगा। तो आप कहोगे सर यहां पे तो हमें टाइम तो है बिल्कुल होल नंबर में, तेल आर्फ ऐसा कुछ करके है, तो यहां पर सर फ्रैक्शन वाला टर्म तो आएगा ही नहीं, सो इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, 15/4 आपका नहीं आंसर होगा। तो बच गया क्या 25। तो आप कहोगे क्या कि स्मॉलर टैप हमने क्या माना था एक्स आवर्स, तो स्मॉलर टैप जो भरेगा वो आपको कितना देर भरेगा, स्मॉलर टैप भरेगा 25 आवर्स में, और लार्जर टैप कितना भरेगा खुद देख लो, लार्जर टैप जो भरेगा आपने क्या माना है एक्स माइनस 10, तो एक्स कितना हो गया 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 आवर्स। तो आपका 25 और 15 आपका यहां पे आंसर होता। अब कहोगे सर एक बात और आप बता दो 15/4 क्यों नहीं होगा, तो जरा सोचिए, अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 × 3 = 3, मतलब मान लो कि लगभग 4, 4 × 4 = 16, लगभग 4, वैसे 3.75 लगभग आएगा, मान लो 4 है, तो x का वैल्यू जब यहाँ पे 4 डालोगे तो 4 − 10 क्या होगा −6, निगेटिव में टाइम होता है, निगेटिव में टाइम होता है नहीं ना, सो यहाँ पर आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप एक्सेप्ट क्या करेंगे 25 करेंगे। तो इस तरीके से स्मॉलर टैप जो होगा उस टैंक को 25 आवर्स में भरेगा और लार्जर टैप जो है वो 15 आवर्स में भरेगा, और इस कदर इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आपको आता है। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें हर बातें आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आए प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।